हेलो गाइस, आज हम बना रहे हैं रमास की फली की कढ़ी। सबसे पहले कढ़ाई को गर्म करेंगे, फिर उसके बाद इसमें तेल डालेंगे। जब तक हमारा तेल गर्म है, तब तक हम बेसन को भूनते हैं। थोड़ा थोड़ा दही फिटा हुआ या मठा इनको डाल के फेंट लें, इसमें गुठले ना पड़े। धीरे धीरे मठे को ऐड करेंगे इसमें। हमारे यहाँ मठा है तो मठे से बना रहे हैं कढ़ी। अगर आपके यहाँ छाछ अगर नहीं है, मठा नहीं है, तो दही को फेंट लें मिक्सी में और उससे कढ़ी बना लें। ये देखिए हमारा बेसन घुल चुका है मठे में। हेलो गाइस, अब हमारा तेल गरम हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे मेथी दाना आधी चम्मच, आधी चम्मच जीरा, इससे कढ़ी में टेस्ट अच्छा आता है सबसे पहले। अब हमारा घुला हुआ बेसन रखा है मठे में, उसको हम डालेंगे। डालते समय लगातार चलाते हैं, ये तले में लग जाएगा। इसमें पानी को ऐड करेंगे। जब तक हमारा एक बेसन खदक रहा है मठे में, तब तक हमारे यहाँ एक तरफ चावल बन रहे हैं। जब ये खदकने लगेगा, तब इसमें हम रमास की फलियों को ऐड कर देंगे। रमास की फलियों को इतने छोटे टुकड़ों में काट लें और अच्छे से धो लें। धो के फिर ये बेसन जब खदकने लगे, मठा में जो गोला है वो जब ये खदकने लगे अच्छे से, फिर इसमें ये रमास की फली को डाल देंगे। फिर इसमें हल्दी, लाल मिर्च, हरी मिर्च, इन सबको ऐड करेंगे। तब तक ये हमारा बेसन खदक रहा है, इसको हम लगातार चलाते रहेंगे जिससे इसमें खदक आ जाए और नीचे बैठे ना। देखिए गाइस, हमारी कढ़ी खदकने लगी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे रमास की फली।
अब इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्ची कटी हुई। जब हमारी रमास की फली अच्छे से कदकने लगे बीच बीच में चलाते रहेंगे जिससे नीचे तले में ना बैठे। ये देखिए हमारी रमास की फली डालकर कढ़ी खदकने लगी है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी और लाल मिर्ची और नमक। एक चम्मच हल्दी ऐड करेंगे, एक या डेढ़ चम्मच। एक चम्मच लाल मिर्ची, स्वाद अनुसार नमक। इसको मिक्स करेंगे। ऐसे खदकने देंगे। जितने ज़्यादा टाइम तक ये कढ़ी खदकेगी उतना अच्छा टेस्ट आता है कढ़ी में। इसको हम 20-25 मिनट तक बॉयल होने देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे, नहीं हमारी कढ़ी बाहर निकल कर आ जाएगी। अभी हमारी कढ़ी 10 मिनट तक खदक चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 4 लौंग कूट के खदकने में, इससे अच्छा टेस्ट आता है। जो लोग लौंग खाते हैं वो ज़रूर डालें और जो नहीं खाते हैं वो नहीं डालें। वो अच्छे से कूट लेंगे। ये देखिए हमारी लौंग कुट चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे, अब इसको 15 मिनट तक और खदकाएंगे। फिर इसमें हींग, जीरे, 2 लौंग और कड़ी पत्ते का ऊपर से तड़का लगाएंगे। अभी 15 मिनट और इसको अच्छे से खदकने देंगे, इससे और टेस्ट आता है खदकने से। और इसको चलाते रहेंगे। अब हमारी कढ़ी बनके रेडी है, अच्छे से बॉयल हो चुकी है, खदक चुकी है। अब हम इसको नीचे उतारेंगे और एक तरफ छोटे पैन में तेल को गरम करने रखेंगे तड़के के लिए। अब इसमें हम धने को ऐड करेंगे। कढ़ी में हरे धनिया ज़रूर डालें। तब तक हम 2 लौंग और हींग और जीरा दोनों को तीनों को कूट लेंगे। अब इसमें कढ़ी पत्ते सभी हमारे
भुज गए हैं, अब इसको हम साइड में करेंगे। हमारे तड़के वाली कढ़ी तैयार है, ये देखिए गाइस। अब इसको हम सर्व करेंगे। फैले की कढ़ी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।